कलेक्टर के निर्देश के बावजूद रेड जोन में आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन ना कर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है खुनाड़ी में, जहां मुंबई से आई बालिका के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में मामला प्रकाश में आया है। 10 जून को रात 9 बजे मुंबई से अपने माता पिता के साथ में गांव खुनाड़ी यह बालिका पहुंची थी। इसकी सूचना अगले दिन आशा कार्यकर्ता द्वारा अधिकारियों को दी गई, लेकिन दो दिन तक अधिकारी आए ही नहीं। 10 जून को मुंबई से आए परिवार की जानकारी मिलने के बावजूद दो दिन तक कोई नहीं आया। 12 जून को कटंगी स्वास्थ्य केंद्र की टीम पहुंची है और चेकअप किया है। 19 जून को बालाघाट की डॉक्टर टीम ग्राम खुनाड़ी पहुंची और मुंबई से पहुंचे सभी लोगों के सैंपल लिए, जिनकी दूसरे दिन रिपोर्ट में 14 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस दौरान ना जाने बालिका कितने लोगों के संपर्क में आई होगी। हालांकि आशा कार्यकर्ता ने बताया कि होम क्वारंटाइन रखा गया था। अब सवाल यह है कि कलेक्टर के रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात अब क्यों सिफर साबित हो रही है? इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, क्या इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी? 9 लोगों को बालिका की हिस्ट्री के अनुसार बालाघाट लाया गया है। ग्राम घुनाड़ी की सरपंच श्रीमती आशा पटेल ने बताया कि एक ही परिवार के 5 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, उनमें से एक बच्ची पॉजिटिव आई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कटंगी से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम है फूलमणि पटले, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ ग्राम घुनाड़ी की। आपके यहाँ एक केस कोई पॉजिटिव आया है, उसमें आप क्या बताएंगे? सर, वो बम्बई से आए हुए थे 10 तारीख को, वो रात के टाइम पे आए थे। मैंने तो 9 तारीख रात को 10 बजे करीब, 10:30-11 बजे करीब आए थे। मैंने उनकी रिपोर्ट सवेरे 10 तारीख को दे दिया आशा जी सहयोगी और एना मैडम के जरिए। उन लोगों ने उधर भिजवा दिए वो रिपोर्ट को। उसके बाद में मैडम का काल आया, प्रगति मैडम का, बोले सचिव से बात कराइए। मैंने सचिव का नंबर दे दिया उनके, उनने सचिव के साथ में जो भी क्या बात थी वो करे और फिर जांच के लिए लेके आए। जांच कब हुई थी उनकी? जांच 12 तारीख को हो गई सर। उसमें फिर इतना लेट कैसे हुआ? सर, जांच करके गए, उसके बाद फिर 19 तारीख को फिर सैंपलिंग के लिए आए, लेके आए थे। सैंपलिंग बाद में हुई है? हाँ, सैंपलिंग बाद में हुई। उसमें पॉजिटिव आई गई? हाँ सर, पॉजिटिव पाई गई। कितने लोग पॉजिटिव पाए गए? एक ही। उनको कहाँ रखा गया था? घर क्वारंटाइन में। यहाँ क्वारंटाइन अलग से बनाया हुआ नहीं है? नहीं सर, पहले जैसी यानी कि आते गई रिपोर्ट वैसे वैसे टाइम में क्वारंटाइन लोगों को करवाते गए। तो इनको घर पे क्यों रखा गया था जब ये रोन जेड से आए थे, रेड जोन से? सर ये मुझे नहीं। आपका परिचय? आशा पटेल, ग्राम गुंडाड़ी सरपंच। आपके यहाँ एक केस पॉजिटिव पाया गया है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? सर, उन लोग मुंबई से 10 बजे आए हुए है। कितनी तारीख को आए थे? सर, 10 तारीख को। अच्छा, 10-11 बजे लगभग उन लोग 10 तारीख को आए और उन्हें मतलब होम क्वारंटाइन में रखा गया। और उसके बाद 12 तारीख को मतलब चेक किया गया उसके, और 19 तारीख को मतलब सैंपलिंग के लिए डॉक्टर आए। उन्होंने सैंपलिंग करके मतलब रिपोर्ट जबलपुर भिजवा और वहाँ से फिर पता चला कि मतलब पॉजिटिव आया। उसके बाद? उसके बाद फिर डॉक्टर से आए और फिर उन्हें लेके गए, उनको बालाघाट ले जाए। हाँ, बालाघाट ले गए। अभी और भी गाँव में कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए? सर, अभी तो नहीं। अभी नहीं। तो ये लोग जो 5 लोग आए थे, इनमें 5ों के संबंध एक ही परिवार से हैं कि अलग अलग हैं? सर, एक ही परिवार से। तो उन लोगों के बाकी लोगों के सैंपल्स हो गए? सर, आज गए। आज गए? आज कितने लोगों को ले गए? 5 लोगों के मतलब साथ में जा चुके थे, लेकिन एक लोगों का पॉजिटिव आया है और बाकी का मतलब नेगेटिव आया। आज आपके घुनाड़ी से कितने लोगों को ले गया है बालाघाट? 9 लोग। 9-10 लोगों को टेस्टिंग के लिए। हाँ सर, बच्चे वगैरह भी हैं। उनके परिवार के 5 हैं? हाँ, टोटल 9 हैं। टोटल 9। ठीक।